थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, यस आई थिंक माइट यू आर सरप्राइजिंग बाई सीइंग मी और बाई जस्ट लिसनिंग मी व्हाट आई एम सेइंग टू यू थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. बिफोर दैट आई लव टू से आई लव टू रिपीट टू यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग थैंक यू गॉड फॉर माई हैप्पीनेस फैमिली फॉर योर प्रीशियस लव टाइम एंड रिस्पेक्ट आई हर्टियस्ट रिस्पेक्ट यू ऑल आई हर्टियस्ट रिस्पेक्ट यूर एवरी पर्लफुल वर्ड दैट यू ऑलवेज शावर ऑन माई हैप्पी यूनिवर्स टिल नाउ यू शावर योर लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एज अ कमेंट सेक्शन इन द माई हैप्पी यूनिवर्स आई courteous respect you all and thank you very much. Moreover friends, what is your responsibility towards your my happy universe and towards you? Keep smile, feel very good and just click on the subscribe button of all the notifications so that you get all the upcoming videos of my happy universe Shalini. So be blessed and let's start what I have for you in a Friday's special study video related to a study content for you with a very live and very theoretical and practical things. I just going to meet with the students of not BSc but students of GNM first year and students of GNM third year and how they have learned lots of things from the nursing profession. Everything they will discuss and they will tell you about this. So chalo friends, sabse pehle main aapko bata dun ki abhi tak jitni bhi videos mein aapne pyar diya uske liye aapka bahut bahut shukriya. Bahut bahut shukriya isliye ki hame aapse bahut sa motivation mil raha hai. Hum chahte hain ki aap apne pyar mein apne samman mein hame aise hi banaye rakhe. Hum aapke liye और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छे एफर्ट्स करें हमारे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं. अगर आप नर्सिंग को एज ए प्रोफेशन चुनना चाहते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि नर्सिंग के थ्रू आप कितना को सीख सकते हैं. एक्चुअली में बहुत से लोगों के दिमाग में अलग अलग तरह के मिथ्स होते हैं हर एक प्रोफेशन के. हम लोग जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सबको अपने कैरियर को लेकर कोई ना कोई कन्फ्यूजन रहता ही है आफ्टर 12. या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका माइंड बहुत क्लियर कट होता है, लेकिन फिर भी हर प्रोफेशन के बारे में बताना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एज ए मेडिकल हेल्थ केयर टीम मेंबर्स के मेंबर होते हुए हमें आपको बताना बहुत जरूरी है. सो एज ए नर्सिंग ट्यूटर व्हाट एवर आई हैव लर्नड इन माय नर्सिंग कैरियर टीचिंग एक्सपीरियंस एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू. सो जस्ट मीट विद द स्टूडेंट्स हाउ दे हैव प्रिपेयर्ड सम यूनिक क्रिएशंस विद द चार्ट्स एंड सम फ्लो चार्ट्स. सो लेट्स मीट. बिफोर दैट फ्रेंड्स, मैंने जो आपके साथ जो चीज़ शेयर करनी है, आपको पता है मैं आपके साथ स्टडी स्पेशल में हर्ट के बारे में बात कर रही हूँ. अभी तक मैंने आपके साथ जो हर्ट की बात की है उसमें मैंने आपको हर्ट की सर्कुलेशन के बारे में बताया था कि हर्ट में जो है वो ब्लड किस तरह से फ्लो आउट करता है. लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कोरोनरी सर्कुलेशन. मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने आपके लिए ड्रॉ भी किया और मैंने आपके लिए थोड़ा सा लिखा भी है. उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि आपको स्टूडेंट से मिलाना चाहिए कि नर्सिंग के क्या एटिकेट्स होते हैं, प्रोफेशनल एटिकेट्स क्या है नर्सिंग के, किस तरह का बच्चों का यूनिफॉर्म होना चाहिए, इयररिंग्स नेल्स बच्चों को क्यों जो रखने अलाउड नहीं है, इयररिंग्स पहनना क्यों अलाउड है. मैं आपको हर चीज़ उनके मुँह से भी और अपनी जुबानी भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. सो रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन, रिस्पेक्ट योर वैल्यूज एंड रिस्पेक्ट एवरी human being because we are the excellent creation of humanity and this universe. So see फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए जो चीज़ लिखी है ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी है सीसी. सीसीसी मींस कोरोनरी सर्कुलेशन. जी हाँ, कोरोनरी सर्कुलेशन रिलेटेड टू हर्ट. हमारे हर्ट के अंदर वो आर्टरीज और वो वेन्स. अब आर्टरीज मैंने आपको बताया था जिनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेकिन एक पल्मरी आर्टरी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी आर्टरी मतलब जिसके अंदर उस नाड़ी में क्या होता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेकिन पल्मरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जिनको मैंने स्पेसिफिक किया डायग्राम से. तो आज आप फिलहाल ये देख लीजिए कि मैंने आपके लिए क्या लिखा. आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं. एंड मोर ओवर दैट, ये कौन सा सर्कुलेशन है, ये हमारी सिस्टमिक, हमारे हर्ट के पूरे सिस्टम की सर्कुलेशन का एक पार्ट है. मोर ओवर दैट सप्लाइज ब्लड एंड प्रोवाइड ड्रेनेज फॉर टिश्यूज. जहाँ से क्या होता है, ब्लड जो है वो ड्रेनेज होता है. मतलब कि हमारे हर्ट में मैंने चार चैम्बर्स आपको बताए थे कि हमारे हर्ट से जो है वो ब्लड कुछ इस तरीके से फ्लो आउट करता है. जैसे अगर सुपीरियर वेना कावा से जो है वो ब्लड यहाँ पर गया, यहाँ से ब्लड का हमारे जितने भी जो कप्स थे जिसके थ्रू वेंट्रिकुलर वॉल्स के थ्रू जो है वो ब्लड जो है वो फ्लो आउट कर रहा है. तो अब हमारी जो ये जितनी भी कॉर्नरी आर्टरीज और वेन्स हैं, हमारे हर्ट में जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो जाता है और फिर से जब एक राउंड के बाद जो वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है प्योरीफाई होने के लिए, उस सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं. तो ये मैं आपको बताऊँगी डिटेल में नेक्स्ट वीक में. तो चलो अब मैं आपको मिलवाती हूँ स्टूडेंट से. और मैं यहाँ पर हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लैब में, जहाँ पे बहुत से मॉडल्स रखे. मैं आपको कुछ बोन्स भी बताऊँगी. मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ के बारे में बताऊँ, क्योंकि मैं आपको तो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा रही हूँ. तो मैं तो आपको ज़रूर उस लैब में भी बताऊँगी, वहाँ के मॉडल्स भी बताऊँगी,
और बच्चों की क्रिएशंस भी बताऊंगी और बच्चों से भी मिलूंगी कि वो नर्सिंग प्रोफेशन से क्या कुछ सीख रहे हैं। तो चलो आप आ जाओ मेरे साथ यहाँ पर, आप देख सकते हैं मेरे साथ स्टूडेंट्स खड़े हैं यहाँ पर, वन मिनट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये है हमारे GNM थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, ये हैं दो स्टूडेंट जो GNM थर्ड ईयर के, जस्ट टेक हियर यहाँ पर, ठीक है। सो सबसे पहले मैं इनसे ही पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने नर्सिंग से अभी तक क्या सीखा है, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन इनको क्या गाइडलाइंस देता है, और क्योंकि हमारे लिए एज ए नर्सिंग मेंबर, नर्स जो होती है वो पेशेंट की सारी केयर करती है और नर्स को अपनी डिग्निटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आखिर नर्सिंग प्रोफेशन में थ्योरेटिकल पोर्शन पे जाने से पहले हमें बेसिक चीज़ों का क्या पता होना चाहिए, जब आप कहीं भी क्लिनिकल एरिया में एज ए ड्यूटी करने जाते हो या फिर आप अपने पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देते हो, किस तरह का जो है वो इंप्रेशन आप डालते हो। तो चलो मैं इनसे ही पूछती हूँ, आपका नाम? My name is Sanjana. Okay. And my profession is nursing. My college name B.B. Ramthi Christian Nursing College. Okay. जैसे कि मैम ने पूछा कि आपको इस प्रोफेशन में आते ही आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में पता चला है और कैसे आपके स्टडिंग जो स्टडी करने का बिहेवियर जो है वो चेंज हुआ है, कैसे हमारी हैबिट जो है वो चेंज हुई है, और इस जब हम पहले इस नर्सिंग प्रोफेशन के पहले थे तो हमें इतना पता नहीं था कि कैसे बड़ों से बात करनी है, कैसे उठना, कैसे बैठना है, और जब हम इस प्रोफेशन में आए ना तो हमें इतना मतलब एटिकेट्स के बारे में पता चला, इस प्रोफेशन के बारे में पता चला कि कैसे किसी से बात करते हैं, किसी पोलाइट वे से किसी से बात करनी है, कैसे किसी के साथ उठना है, कैसे किसी के साथ बैठना है, कैसे अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, और जैसे भी हम जैसे भी इस नर्सिंग प्रोफेशन में आए हैं तो थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ तो क्लिनिकल जो पोर्शन है वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें क्लिनिकल बारे में पता नहीं होगा तो हम कैसे मतलब जॉब वगैरह के लिए मतलब कैसे कर सकते हैं। और हम एक मैसेज देना चाहते हैं और थैंक यू बोलना चाहते हैं मैम का कि मैम आप ऐसे ही हमारे लिए वीडियोस जो है वो और भी बनाते रहिए, ताकि जो हम हमारे साथ साथ और भी जो बच्चे आपकी वीडियोस देखते हैं उनको भी मोटिवेशन मिले और वो एक उनका जो हाई मतलब लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो इंक्रीज हो। थैंक यू सो मच। एंड मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि इन्होंने एक बात कही पोलाइटनेस की, तो जब भी हम नर्सिंग एटिकेट्स में एज ए सब्जेक्ट, नर्सिंग फाउंडेशन एक सब्जेक्ट है, वहाँ पे सिस्टर नैन्सी की एक बुक में फर्स्ट पॉइंट लिखा गया जिसमें बताया कि नर्स हैज़ टू बी वेरी पोलाइट अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल कुछ एटिकेट्स के अकॉर्डिंग, जो नर्स को बहुत पोलाइट होना चाहिए अपने पेशेंट के साथ, ताकि जो पेशेंट है उसके उस बिहेवियर से ही आधा ठीक हो जाए। सो मेंटेन द प्रोफेशनल डिग्निटी एज ए मेडिकल हेल्थ केयर टीम मेंबर एज ए नर्स। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ, ये है GNM फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जिन्होंने कुछ चार्ट प्रेपरेशन की है, हर्ट के बारे में मैंने आपको बताया, आप देखिए यहाँ पर ये भी इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से जो है वो हर्ट के स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया, जो कि मैंने भी आपके साथ पहले डिस्कस किया। और ये है फ्रेशर स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हो कि एज ए फ्रेशर आपका एक्सपीरियंस क्या है, एज ए स्टूडेंट, एज ए नर्स स्टूडेंट आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या सीखा अभी तक आपने? हमने दूसरों के रिस्पेक्ट करना। ओके, एज ए प्रोफेशन आपको क्या लगता है कि जब आप हॉस्पिटल में जाओगे तो पेशेंट के साथ आपको कैसे ट्रीट करना है, यूनिफॉर्म के बारे में कुछ बताएं? हमें उनके साथ पोलाइट बिहेव करना चाहिए। ओके, और यूनिफॉर्म को लेकर क्या आपका है कि हमें किस तरह से, आपको जूड़ा क्यों बनवाया जाता है, आप कुछ बता सकते हैं इस पर? मैम क्योंकि हमारी यूनिफॉर्म पूरी परफेक्ट रहे और ओके ये बच्चे थोड़े से फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं, हम समझते हैं कि थोड़ी बहुत जो है वो हेजिटेशन हो सकती है, तो फ्रेंड्स इस तरह इसमें किसी भी तरह का कोई भी जो है हमें शर्म महसूस नहीं करनी है। वी कैन बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल सच अ काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जिनको हेजिटेशन होता है कि हम बोल नहीं पाते हैं, तो ये सब करने के लिए तो माई हैप्पी यूनिवर्स आपके साथ है। सो जस्ट बूस्ट अप देयर कॉन्फिडेंस लेवल बाय जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, मोर ओवर जस्ट लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर लव्ड वंस। तो चलो अब मैं आपको बता दूँ, ये भी जो इन्होंने लिखा हुआ है चार्ट प्रोफेशनल एटिकेट्स फॉर नर्सेज, जिसमें फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, यू शुड, आप देखिए बहुत ही करीब से जैसे कि शायद आपको समझ आ रहा होगा, यू शुड बी वेरी कॉटियस टू ऑल द जेनेटिक एंड पोलाइट इन योर टॉक। मतलब कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है कि हमें अपने बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा जो है वो पोलाइट होना चाहिए, अपने सीनियर्स के साथ, अपने रिस्पेक्टेड वंस के साथ सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और यूनिफॉर्म का मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताऊँगी कि नर्सेज को ज्वेलरी जो है वो यूज़ करने की परमिशन क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, शी वॉज द फाउंडर ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, वो जब भी अपने पेशेंट की केयर करती थी
वो इतनी डेडिकेटेड थी कि जिन्होंने नर्सिंग को एक बहुत बड़ा प्रोफेशन का नाम दिया। फॉरेन में भी नर्सिंग की बहुत सी वैल्यूज़ है, जो जब भी एक सोल्जर जिन्होंने सोल्जर्स की बहुत सी केयर की थी और वो जब भी अपने पेशेंट्स के पास जाती थी तो उनको कहा जाता था लेडी विद द लैम्प, कि मतलब उनकी किसी भी ज्वेलरी के कारण जो है वो पेशेंट को इरिटेशन ना हो और कहीं ना कहीं पेशेंट जो है वो रिलैक्स फील करे। शी वॉज अ डेडिकेटेड नर्स इन द जान सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके नाम को इंटरनेशनली जो है वो नर्सिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमने बहुत सी ऐसी जो है वो नारी शक्तियाँ हमारे देश को और हमारे ब्रह्मांड को मिली हैं, जिन्होंने अपने एक बलबूते और अपने कॉन्फिडेंस लेवल से बहुत कुछ अचीव किया है। सो जस्ट बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस लेवल। और मैं अब आपको अगली बता देती हूँ, जो कि हर्ट का जो कि फ्लो चार्ट है, जिसमें मैं अब आपको अगले हफ्ते में बताऊँगी पूरी की पूरी कॉरोनरी सर्कुलेशन विद द हेल्प ऑफ दिस, जिसमें बहुत से जो लैब्स में अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं। लेकिन आज मैं आपको सारे मॉडल्स नहीं दिखाऊंगी, आज मैं आपको कुछ बोन्स भी दिखाऊंगी। तो आप आ जाइए मेरे साथ कि मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि बोन्स को किस तरह से जो है वो यहाँ पर रखा गया। सो सी द फर्स्ट फ्रेंड्स, ये है हमारी लॉन्ग बोन, मतलब जो हमारी फीमर बोन होती है, ठीक है। ये हमारी टांग का, मतलब जो मैं आपको लेमन लैंग्वेज में अगर समझाऊँ, दिस इज द लॉन्ग बोन, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप नीचे भी देखते जाइए, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं फ्रेंड्स, ये है हमारे वर्टिब्रास। वर्टिब्रास मतलब कि हमारी रीढ़ की हड्डी। अब वर्टिब्रास जो है, मैंने आपको हमेशा ही, चाहे वो मैंने मेडिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कही हो, मैंने आपसे हमेशा कहा कि जो वर्टिब्रास है ना, वो क्या करते हैं, हम जब भी स्ट्रेट बैठते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से जो वो ब्लड सर्कुलेट करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्टिब्रा, ये रीढ़ की हड्डी जब सीधी होती है तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है दिमाग और पीठ के साथ जो वो बहुत अच्छे से सर्कुलेट और दौरा करता है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, बट आई एम गोइंग टू कन्वे माई मैसेज टू यू, तो ठीक है। अब मैं आपको आगे बता देती हूँ कि ये क्या है। अब फ्रेंड्स, अब आप सोचेंगे ये क्या है, ये तो आपको आइडिया लग ही होगी, ये है हमारी हैंड्स की कुछ बोन्स के स्ट्रक्चर्स, जो कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ये हमारे टार्सल्स, मीटा टार्सल्स, फिलिंजिस, और यहाँ पर हमारे जितने भी रिस्ट बोन जो अल्ना, जहाँ पे ये हमारी बाजू के साथ जो वो कंटिन्यू करते हैं। ये जब हम मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको बड़े अच्छे से बताएंगे, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम मैं थ्योरेटिकली आपको बता चुकी, लेकिन फिर भी मैं कुछ बोन्स जो है वो आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाइए फ्रेंड्स, ये है हमारी पसलियाँ, मतलब रिब्स। ये जो रिब एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में जब भी हम सांस लेते हैं, हमारी पसलियाँ, आप देखें अगर आप सांस लें तो हमारी जो ये वाली जो चीज़ है, ये रिब्स होती है, ये पसली होती है, इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारे थोरेसिक वर्टिब्रास के साथ होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि सर्वाइकल वर्टिब्रास क्या होते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रास क्या होते हैं, लंबर वर्टिब्रास क्या होते हैं, सैक्रम क्या होता है, कॉकेक्स क्या होता है, बड़ी अच्छे से हर चीज़ बताऊंगी डिटेल में। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू एंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू, एंड आने वाले टाइम में व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ अवर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, क्योंकि हमारा शरीर एक टेम्पल है और हमें अपनी बॉडी के हर एक चीज़ की बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि वैन वी रिस्पेक्ट अवर हेल्थ एंड वी टेक केयर ऑफ अवर हेल्थ, तो कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी, माइंड, स्पिरिट के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एंड वी रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी एंड वी सर्व टू ह्यूमैनिटी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, और अब आप शायद समझ चुके होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। कंक्लूजनली, हम हर स्टूडेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि डोंट फील हेजिटेट। एक ने एक दिन आपकी हेजिटेशन जरूर कॉन्फिडेंस में बदल ही जाएगी, क्योंकि जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी चीज़ को फेस करते हैं तो वो चीज़ों का डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म हो जाता है तो डर के आगे क्या है, डर के आगे जीत है। तो चलो, जीतने के लिए हम सब साथ साथ हैं। जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर उस बच्चे तक पहुँचाएं जिनको बहुत ही ज़्यादा जो है वो हेजिटेशन महसूस होता है, या अगर आप सोचते हैं कि मुझे नर्सिंग एज ए प्रोफेशन चूज़ करना है तो आप ज़रूर जो है वो नर्सिंग के बारे में सोचिए। When you respect your profession, we can serve the respect to every profession. So thank you very much. Stay blessed and stay take care. Bye bye. Take care.